श्रीनगर के ग्वाड़ गांव में एक बार फिर गुलदार ने एक बच्चे को अपना शिकार बना लिया। गुलदार के हमले से घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस क्षेत्र में गुलदार ने एक बच्चे पर हमला किया था। वहीं बार बार ऐसी घटनाएं घटित होने के बाद भी वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सरकार जल्द ही इन अनहोनी वारदातों पर तुरंत रोक लगाने का प्रयास करती है तो ठीक, पहाड़ों से जनजीवन संकटमय हो जाएगा और पहाड़ इसी तरह खाली होते नजर आएंगे। पौड़ी से संवाददाता मुकेश पछेती की रिपोर्ट। 3.5 साल का बच्चा वो अपने आंगन में था, आंगन से बाघ ने उठाया गुलार ने और उसको झाड़ियों में लेके आया। झाड़ियों में सारे लोगों ने हल्ला मचाया, शोर शराबा किया और उसके बाद बच्चे को ढूंढने में 5 मिनट का समय लगा होगा और मुश्किल से 5 मिनट बाद मैंने बच्चे को हॉस्पिटल पहुँचा दिया था, लेकिन बच्चे की जो डॉक्टर के मुताबिक बच्चा ख़त्म हो गया है, बच्चा जीवित नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी पुलिस के यहाँ पर आए हैं, लेकिन फॉरेस्ट वालों को मैंने संपर्क किया है, लेकिन फॉरेस्ट वाले भी अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। अत्यंत दुखद जो ये घटना हुई है, उसी क्रम में हम लोगों ने जो हमारी तरफ से ये एक्शन लिए जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पूरे इलाके में 2 दिन की जो छुट्टियां की जानी हैं बच्चों की, प्लस हमारा जो व्हीकल है वो घूम करके लगातार लोगों को रात्रि के समय में बच्चों को या अपने पालतू जानवरों को अंदर रखने के संबंध में हमारी लगातार चेतावनियाँ उसमें चलेंगी, प्लस हमारी जो टीम्स हैं, पिंजरे जो लगाए जाने हैं, फॉरेस्ट की टीम को जो एक्टिवेट किया जाना है, वो सारी चीज़ें हमारी होगी। और साथ ही जो मृतक की फैमिली है उसको जो कंपनसेशन दिए जाने हैं हमारे साथ, उसके लिए भी मुआवजे कार्रवाई है। तो बहुत दुखद घटना हुई, एक सुबह ग्वाड़ गाँव में और एक श्रीनगर शहर में, तो इसी के चलते जो एक मुआवजे की कार्रवाई होनी है, तो नए शासनादेश के तहत 6 लाख की मुआवजे की कार्रवाई तुरंत फॉरेस्ट द्वारा एक्टिवेट कर दी गई है। और दूसरे फ्रंट पे जो है कि गुलदार को पकड़ने की कार्रवाई, हम लोगों ने जो है ग्वाड़गांव में 2 पिंजरे लगा दिए हैं और हमें मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से उसको ट्रैंकुलाइज करने की भी अनुमति मिल गई है। इसी तहत जो है श्रीनगर में भी हम लोग तुरंत पिंजरे लगा देंगे और इस बाघ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे।